नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, शारदा क्रॉप कैम ने अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम इन रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे, फिर कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखेंगे, और दोस्तों लास्ट में हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके अलावा कंपनी का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है या क्या टारगेट आगे जाके कंपनी अचीव कर सकती है, तो उस बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो यहां पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 887 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में ये 656 करोड़ था। तो आप अब देख रहे हो कि 35% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया हुआ है। और वहीं दोस्तों अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये 614 करोड़ से इंक्रीज होकर 751 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे 22% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज ये है कि टोटल एक्सपेंसेस में इतना इंक्रीज नहीं दिखाया है जितना हमें टोटल इनकम में दिखाया। तो टोटल एक्सपेंसेस जितने कंपनी के कम होंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो नेट प्रॉफिट पे आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 32 करोड़ था वो इंक्रीज होके 102 करोड़ हो गया और यहाँ पे 219% का शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो टोटल खर्चे है इस बार कंपनी के टोटल खर्चे बहुत कम हुए हैं एज कम्पेयर टू टोटल इनकम, इसीलिए दोस्तों डायरेक्टली उनका जो इम्पैक्ट आया हुआ नेट प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में काफी हमें ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर। और दोस्तों इसीलिए क्या है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 5% वो इंक्रीज होके 11% हो गया है। दोस्तों अगर मैं बेसिक ईपीएस की बात करूं यहाँ पे तो ये 3.55 का बेसिक ईपीएस था लास्ट क्वार्टर में, अभी इंक्रीज होके 11.33 का हो गया है। दोस्तों ये तो हुई क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स की बात, लेकिन अगर मैं पूरे 9 मंथ्स के रिजल्ट्स की बात करूं जो कि यह होता है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, तो दोस्तों टोटल इनकम अगर की बात करें तो यहाँ पे 62% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये दिसंबर 2020 में, मतलब कि पूरे 9 मंथ्स का मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये 95 करोड़ था, उससे इंक्रीज हो गया 172 करोड़ गया, तो ये 81% का यहाँ पे शानदार इंक्रीज दिख रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इवन ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 7% है लास्ट ईयर और ये इंक्रीज होकर भी इस साल 8% हो गया है। उसकी वजह से दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस है वो 10.56 से इंक्रीज होकर 19.10 हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी के काफी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। दोस्तों अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग है वो है 75% के आसपास। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोस्तों लगातार कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो सेम रहा है, इसमें कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो एक अच्छी चीज है कि कंपनी का जो होल्डिंग है वो मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है 75% और इसमें कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और FIS ने दोस्तों इस बार जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है 0.89 से इंक्रीज करके ये 1% के आसपास कर दिए। हालांकि पहले अगर मैं पहले के सालों की बात करूं तो पहले ही अराउंड 5% के आसपास थी, फिर उसके बाद कंपनी ने लगातार मार्च जून और सितंबर में डिक्रीज किया था, अभी दिसंबर में ये इंक्रीज होकर 1% के आसपास हो गया। और वहीं जो दोस्तों DIS की जो होल्डिंग है, DIS यहाँ पे लगातार अपना होल्डिंग डिक्रीज करे, तो आप देखते हो कि जून में अराउंड 16.5% था, फिर सितंबर में 13.5%, अभी दिसंबर में अराउंड 13% के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पे DIS जो है अपना होल्डिंग लगातार डिक्रीज करे और FIS ने भी कहीं ना कहीं, अगर मैं लास्ट क्वार्टर्स के कंपेरिजन में इस बार का क्वार्टर देखूँ तो वहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एक ये कंसर्न वाला फैक्टर है, बट एक पॉजिटिव चीज ये है कि दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है उसमें कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग अभी प्रमोटर्स के पास है, तो एक अगेन अच्छी चीज हो जाती है। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आप एक बार हमेशा ये चेक कर लेना कि कोई शेयर गिरवी है या नहीं, तो कोई भी शेयर प्रमोटर्स का है वो गिरवी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 31.9 का और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30.6 का है, तो ये अभी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी वो अभी भी अंडर वैल्यू दिख रहा है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो सिर्फ 2 के आसपास ये, मतलब जो बुक वैल्यू 184 का है 2 टाइम्स ही इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से भी मुझे ये काफी अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है।
और वहीं दोस्तों इसका आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा खासा है, 23% के आसपास, और इवन रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप सेल्स भी कंपनी की देखोगे ना, तो सेल्स भी यहाँ पे लगातार ईयर ऑन ईयर कंपनी की इंक्रीज हो रही है। तो मार्च 2010 में सिर्फ 29 करोड़ का सेल्स है, वो इंक्रीज होके मार्च 2021 में 229 करोड़ हो गया, और एक्सपेक्टेड जो सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है 306 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो लगातार कंपनी जो है अपना सेल्स भी इंक्रीज कर रही है। और दोस्तों अगर मैं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 33% के रिटर्न्स दिए हुए, और लास्ट 5 ईयर्स में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो है नेगेटिव रिटर्न्स हमें देख रहे हैं, तो 19-20% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वो इसीलिए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों क्योंकि कंपनी का जो अगर मैं मैक्सिमम प्राइस देखूंगा तो ऑल टाइम हाई अराउंड 551 रुपीज के आसपास है, और अभी ये 381 रुपीज के आसपास है। तो अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में ये जो कंपनी का शेयर है वो 551 रुपीज के आसपास के रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर उसमें हमें लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, और 2020 तक आते आते ये 107 रुपए हो गया। लेकिन अभी दोस्तों अगेन आप देखोगे यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2020 के बाद अभी 2022 तक ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले दिनों में इसका ये अपवर्ड ट्रेंड है वो जारी रहेगा। और दोस्तों अभी अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो मुझे इसका फर्स्ट जो टारगेट प्राइस नजर आ रहा है वो इसका 52 वीक्स हाई है, जो कि 410 रुपए के आसपास का लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसका कंपनी का ये होगा और शॉर्ट टर्म टारगेट। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे इसका जो ऑल टाइम हाई था 551 रुपीज के आसपास, तो वो मुझे इसका लॉन्ग टर्म टारगेट लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने अपना टारगेट प्राइस आपको बता दी, लेकिन आप अपना एनालिसिस भी जरूर करना, और इनकेस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी इस कंपनी में जो है वो आप निवेश करना, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों हमें जो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कभी निवेश कोई भी कंपनी में करता नहीं हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करता हूँ। और मैं मेरे मतलब मैं मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनको भी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही जो सजेशन देता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देता हूँ। शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 410 रुपीज के आसपास। तो इनकेस अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप अपने उस हिसाब से टारगेट और जो आपका स्टॉप लॉस है उस हिसाब से आप जो है वो सेट कर देना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।